दोस्तों मैं उजुरी छोड़ूंगी नहीं मैं मूवी की। तो भाई प्रभास की बहुत ज्यादा वेटेड मूवी जो आने वाली थी सलार अभी 28 सितंबर को, लेकिन इसका रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया है। शायद दिसंबर अभी 23 में आएगी या जनवरी 24 में से कहा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी बताई गई नहीं। लेकिन भाई इसके पीछे का राज क्या है, प्रभास अपनी मूवी पोस्टपोन क्यों कर रहे? तो भाई कहा जा रहा है कि शायद जवान जो लेके आ रहे शाहरुख खान, इसका जो ऑरा है ना, मतलब शाहरुख का ऑरा, मूवी का ऑरा, एंड जिस तरह से फैन उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हर जगह से, वर्ल्ड वाइड, अमेरिका ले लो, इंडिया ले लो, एंड जहां भी वो रिलीज हो रही है हर जगह पे एडवांस बुकिंग ले रहे हो, हर चीजों में इतनी ज्यादा वाहवाही चल रही है जवान की, शायद उसके डर के सलार मूवी की डेट शायद उन्होंने पीछे ले ली, ऐसे कहा जा रहा है। तो द सस्पेक्ट, इंटरनेट सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जवान फैक्टर की वजह से शायद प्रभास अपनी मूवी को पीछे ले रहे हैं। बहुत जगह पे मतलब जो फैंस है ना, मतलब अलग अलग कॉमेडी, अलग अलग उनकी ट्वीट चल रही है, पोस्ट चल रही है। तो कुछ फैन कह रहे हैं अक्षय कुमार के डायलॉग जो था ना भागम भाग के, भाई बहन डर गई, बहन डर गई, मतलब वही प्रभास डर गए शाहरुख से। कुछ लोग कह रहे हैं फिर SRKS कम्स टू एन एंड नाउ, जवान व्हाट अ वाइल्ड मंथ रन, तो भाई एक महीना है फिर भी क्यों पीछे ले रहे हो। तो मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज आ रही है, अलग अलग रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन सलार की डेट तो पोस्टपोन हो गई है, भाई पक्की पक्की सी न्यूज है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? जरूर शाहरुख खान के जवान मूवी में एक डांस डायलॉग है जिसका मतलब ऐसा डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले, मतलब यार एक्चुअल में शाहरुख खान ने ये मतलब कहा है कि ये डायलॉग सारे पेरेंट्स को डेडिकेटेड है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों से मतलब मीम्स बने जा रहे हैं, उसमें वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सी जगहों पे मतलब एक्चुअल SRK ने ये जो ट्रेलर में इंटरनेट में जो डायलॉग रिलीज किया, उन्होंने कहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर लो। तो मतलब यार शाहरुख खान का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग ही है, ऐसे ट्रेलर से तो पता चलता है, लेकिन लोग सोशल मीडिया और फैंस तो अलग ही मतलब चले जा रहे हैं डायलॉग के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये लिंक किए जा रहे हैं कि अभी आर्यन खान जो शाहरुख के बेटे हैं उनको 2021 में जो ड्रग्स केस में वो फंस गए थे, उसमें शाहरुख ऐसे बोल रहे, समीर वानखेड़े जो थे इस केस को हैंडल कर रहे थे उनको ऐसे धमकी दे रहे, ऐसे टाइप की बहुत ज्यादा मीम्स हर जगह पे वायरल हो रहे। तो वायरल हो गया था, मतलब कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जो मतलब यार ये जो नार्कोटिक्स के बंदे है जो हैंडल कर रहे थे केस, तो उन्होंने भी एक धासु रिप्लाई दिया है जो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। I have lit the fire and danced in the ashes of every bridge I have ever burned. I fear no hell from you. The quote always inspires me. ऐसे मतलब यार ऐसे रहता है ना, indirectly वो जवाब दे रहे हैं भाई, जो मीम चल रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, जवान डायलॉग है जवान का, मतलब मुंह का रारा जवाब दिया है समीर वानखेड़े ने, जो है इस केस के मतलब थे आर्यन के केस के मतलब वो वही हैंडल कर रहे थे जिनको बीच में। रजनीकांत का जादू भाई हर जगह पे वर्ल्ड वाइड, भाई उनका जो स्टाइल है उनका जादू छाया रहता है, तो अभी वो चर्चे में है, जादू उनका छा रहा है विद OTT रिलीज ऑफ द मूवी जेलर जो आई है प्राइम पे। तो 7 सितंबर को पे ये हर जगह पे मतलब वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली हो चुकी है। तो भाई जेलर का जो मतलब ऑरा है ना रजनी भाई, आप छा गए हो हर जगह पे। तो जेलर इज एन एक्सट्रीम, वो कहते हैं रजनीकांत ने ऐसे बोला है कि जेलर इज एक्सट्रीमली स्पेशल टू मी, मतलब क्योंकि भाई इसमें इतनी बढ़िया स्टार कास्ट है, रजनीकांत तो है ही है इसके साथ, इसमें है योगी बाबू, विनायक, तमन्ना, हाँ भाई इसमें तमन्ना भाटिया भी ये दिखाई देने वाली है, एंड पीपल मतलब यार जो प्राइम पे सब लोग कह रहे हैं कि वी आर एक्साइटेड फॉर ऑडियंस अक्रॉस द ग्लोब टू एंजॉय दिस एक्शन ड्रामा एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम देयर होम्स। ये स्टेटमेंट नेल्सेरा जो डायरेक्टर इस मूवी के उन्होंने रिलीज किया है। तो ये एक स्टोरी है एक रिटायर्ड जेलर की जिनका नाम है टाइगर मुथुवेल पांडियन जो है रजनीकांत। तो वो जो है मैनहंट में जाते हैं, उनका जो एक मतलब यार उनका जो कैरेक्टर का जो बेटा है मूवी में वो मर जाता है, तो किलर को ढूंढने के लिए वो चल पड़ते हैं, एंड वो एक जेलर हो रहा है। जवान रिलीज होने पे है मतलब यार, एंड उनके नंबर्स आउट हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस का, मतलब एडवांस बुकिंग का कलेक्शन का जो नंबर रहता है वो भी आउट हो चुका है। तो कहा जा रहा है कि इसको मैसिव ओपनिंग मिलने वाली है, अराउंड 2.71 लाख की टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, अमेरिका ले लो, इंडिया ले लो, हर जगह तेलुगु, तमिल एंड हिंदी में ये मूवी आ रही है। तो भाई साहब क्या ओपनिंग मिली है जापान को, शाहरुख आप तो भाई छा गए हो चर्चे में, वो वायरल हो चुके हो हर जगह पे। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको ये फिल्म कैसी साबित रहेगी पता चली जाएगा जल्दी, वीकेंड पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धासू की रिपोर्ट में आपको दूंगी एंड आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा, रिव्यू भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही धासू चीजों के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी एस कभी नो, एंड टिल देन बहुत सारी मूवीज देखिए, एंजॉय कीजिए, टिल देन जस्ट बाय।